हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। विश्व के कई देशों में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। हम किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, नहीं अपने देश के अंदरूनी मामलों में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद करते हैं। इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर चलते हुए विश्व को पंचशील एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नारा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने महत्वपूर्ण काम किया है, चाहे संसार में विराम संधि का मामला हो, चाहे युद्ध बंदियों को छोड़ने का सवाल हो, चाहे महामारी से मानवता को बचाने का सवाल हो, चाहे उपनिवेशवाद को इस दुनिया से खत्म करने का सवाल क्यों न हो, भारत सदा ही प्रयत्नशील रहा है। हमारे देश के गणमान्य नेताओं ने विश्व के देशों में जा जाकर आपस में सद्भावना बढ़ाई एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का संदेश संसार में फैलाया, जिसके परिणाम स्वरूप आज विश्व के सभी देशों के साथ हमारी संबंध मैत्रीपूर्ण हैं। हमने अनेक पिछड़े देशों के उदारतापूर्वक सहायता भी की है। इसके साथ ही साथ विश्व के अनेक देशों की हमने हर प्रकार से विपत्ति के समय मदद की है। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा भारत ने चहुमुखी प्रगति की है और अभी भी इस देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का ही सहारा लिया जा रहा है। चाहे अन्न का उत्पादन हो, चाहे यहाँ अनुसंधान शालाएं स्थापित करने का सवाल हो, चाहे घरेलू उद्योग अथवा कुटीर उद्योग स्थापित करने हो, अथवा सिंचाई का प्रबंध करना हो, कल कारखानों की स्थापना करनी हो, अथवा बिजली का उत्पादन बढ़ाना हो, योजनाबद्ध तरीके से हमने उत्पादन में चतुर्मुखी वृद्धि की है और हम विकास की पथ पर लगातार अग्रसर हैं। इसका श्रेय हमारे देश के कर्णधारों, कार्यकर्ताओं एवं श्रमिकों को जाता है। हमारे राजनेता, राष्ट्राध्यक्ष एवं राज्यसभा के सदस्य भी विदेशों की यात्रा पर जाते रहते हैं और वहां हमारे राजदूतावासों के निमंत्रण पर उन देशों की जनता के साथ भारत की मित्रता बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के यात्रा करते हैं। आज संसार की बड़े बड़े राष्ट्रों में हमारी राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा हमारे राष्ट्र गौरव, राष्ट्रगान अथवा राष्ट्रगीत का बड़ा आदर किया जाता है। उसी प्रकार हम भी उन देशों की भाषाओं, संस्कृति अथवा विचारों का आदर करते हैं। विदेशों में भारत के राजदूतावासों पर हमारा राष्ट्रीय झंडा लहराता है। उसी प्रकार भारत में विदेशी राजदूतावासों पर भी विदेशी झंडे लहराते हैं। भारत राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है, जिसमें एशिया के अनेक देश सम्मिलित हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि भी हैं। वहां अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जाते हैं और बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। कई देशों के प्रतिनिधि इस प्रकार की बैठकों में भाग लेते हैं और अपने अपने देश का दृष्टिकोण वहां प्रस्तुत करते हैं। किसी मसले पर
तो बैठक से बहिर्गमन अथवा बहिष्कार भी करने के समाचार हमें मिलते हैं। इसी प्रकार विश्व में अनेक संघ अथवा महासंघ हैं, जिनमें आपसी महत्व के कार्यक्रमों पर विचार किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सर्वोच्च संगठन है। भारत गणराज्य के सर्वप्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 13 मई 1952 को शपथ ली थी और इस महान देश के सेवा में अपने आप को समर्पित करने का दृढ़ निश्चय किया था। हमारे संविधान के अनुसार भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना, अतः इसकी स्वतंत्रता को जिसे हमने पीढ़ियों के संघर्ष और तपस्या के बाद प्राप्त किया है, सुरक्षित रखना हम में से प्रत्येक का सर्वोपरि कर्तव्य है। इसी आधारभूत स्वतंत्रता पर हमारा वैयक्तिक और राष्ट्रीय जीवन निर्भर है। हमारा गौरवपूर्ण अतीत रहा है, किंतु साथ ही विपत्तिमय भी रहा। इन सबसे सबक लेकर हम सबको यह सोचना चाहिए कि हम अपने देश की सर्वोत्तम सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं। इस देश की सेवा का व्रत हम लोग तभी पूरा कर सकते हैं जबकि हम सब अपने व्रत में सत्यनिष्ठ हों और इसे पूरा करने के लिए अपना तन मन धन लगा दें। हम अपनी जनता की आर्थिक उन्नति के लिए जुट जाएं, उनको जीवनोपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराएं। हम राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर चुके हैं, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता सभी देशवासियों को प्राप्त कराना भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने हमें शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, किंतु शमशान की शांति अथवा कायरो की अहिंसा का नहीं। हमें इस बात को भरी प्रकार समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्रात्मक तरीके से ही हम देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। हमारे संविधान में किसी वर्ग या व्यक्ति में भिन्नता नहीं बरती जाती है। सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, जात पात और ऊंच नीच की दीवारों को समाप्त करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। गरीब से गरीब, मजदूर और ऊंचे से ऊंचे हमारी राष्ट्रपति को भी एक ही वोट देने का अधिकार है। लोकतंत्र में निर्भयता पूर्वक अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। किसी राष्ट्र का उत्थान इन्हीं स्वतंत्रताओं के आधार पर हो सकता है। विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उनसे मिलते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की सहयोग और कार्यकुशलता के आधार पर ही मंत्रालय के कार्यकुशलता निर्भर करती है। विभागाध्यक्षों का सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वे कर्मचारियों और मजदूरों के बीच अधिक सहयोगपूर्ण वातावरण कायम रखें और उनमें निराशा की भावना पैदा न होने दें। अनेक निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए समुचित कार्यवाही कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा होती है। उनकी कार्यशक्ति को क्रियाशील बनाए रखने के लिए योग्य अधिकारियों की आवश्यकता होती है। जन संपर्क कार्यालयों के जन सहयोग और जन कल्याण की भावना यहाँ कार्यरत कर्मचारियों में होनी चाहिए। जन प्रतिनिधियों को जन आंदोलन के लिए जन साधारण के बीच जाना चाहिए, तभी हम जनप्रिय बन सकते हैं और जन सहमति से जन समूह का
कल्याण कर सकते हैं। जन संपर्क अधिकारियों को जन समुदाय के सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। जन सहयोग के बिना जन शक्ति क्रियाशील नहीं हो सकती। प्रतिक्रियावादी अथवा प्रतिपक्षी जो भी बात कहे उन पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, तभी जनतंत्र सफल होगा।